नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल पीटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्च और अप्रैल के महीने पे वीडियोस अपलोड होना कम हो जाती है यूट्यूब पर। ऐसा क्या कारण है कि वीडियोस की मात्रा कम हो जाती है यूट्यूब पे अपलोड होने के लिए? कुछ यूट्यूबर अपनी वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं यूट्यूब पर मार्च और अप्रैल के महीने में। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आज आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल कि ऐसा क्यों होता है कि वीडियोस कम हो जाती हैं अपलोड होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि मार्च और अप्रैल के महीने में वीडियोस अपलोड होना कम हो जाती है यूट्यूब पे, इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि एग्जाम्स, क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में ज़्यादातर लोगों के एग्जाम्स आते हैं। इसमें तो कुछ लोग यूट्यूबर भी होते हैं, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं वो भी पढ़ाई करते होते हैं, यानी कि जो यूट्यूबर है वो हमेशा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है, वो पढ़ाई भी करता है। जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं पढ़ाई भी करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बीकॉम में हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ, लेकिन मैं वीडियो अपनी रेगुलर डालता रहूँगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स में अभी टाइम है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन ज़्यादातर यूट्यूबर का टाइम नहीं होता या किसी का कुछ होता है तो अपनी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना कम कर देते हैं वो, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने में लग जाते हैं, जिससे एग्जाम की तैयारी करने में टाइम होता है, एग्जाम की तैयारी करते हैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। इसी कारण है कि यूट्यूब पे अपलोड वीडियो कम हो जाती है, वीडियोस की मात्रा कम हो जाती है अपलोड होना। जैसे पहले आप देखोगे तो 100 वीडियो पर डे अपलोड होती थी, तो आपकी 90 या 80 वीडियोज अपलोड होंगी यूट्यूब पर, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें अपने पढ़ाई में भी काम है, पढ़ना भी जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब करो। मैं भी सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई जरूर करो, ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के भाई यूट्यूब ही करना है। अब हमें यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी आजकल तो इतना ज़्यादा रूल सख्त हो गए यूट्यूब के, तो अभी इतना कुछ मिलता तो है नहीं यूट्यूब पे। मेरे तो अभी मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं हुई है। ठीक है फ्रेंड, जब मोनेटाइजेशन ऑन होगी तब ये पैसे आएंगे, जब 1000 व्यू हो जाएंगे उसके, 1000 सब्सक्राइबर और मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी, 4000 घंटे वॉच टाइम मिनट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप यूट्यूब करना है, अगर आपको अच्छा लगता है यूट्यूब करना तो आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम यूट्यूब मत करो। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे कोई सा चैनल बनाओ आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम मत करो। आप अगर नौकरी करते हो तो नौकरी भी करो, यानी कि आप नौकरी करो तो नौकरी छोड़ के यूट्यूब करने हैं, पढ़ाई करो तो पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब करना है, इसलिए आप यूट्यूब जरूर करो। और यही कारण है कि सबसे बड़ा एग्जाम जो होते हैं ना, तो जिस कारण से लोग अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाते यूट्यूब पे, इसी यही सबसे बड़ा कारण है और कोई कारण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई सवाल और सुझाव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियोस और टेक्निकल न्यूज़ की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।